व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा एक्चुअली टेक्निकली बोलोगे तो सेकंड लास्ट डे, क्योंकि मॉर्निंग हमारा 3 बजे फ्लाइट है। तो अभी हम लोग यहाँ पे 2-3 जगह है कि एक बुद्धिज्म को मतलब जारी रखने के लिए यहाँ पे एक मॉन्क है जो मतलब वो तो मतलब जला दिया था, एक सर्कल है, तो वहाँ पे जाके बात करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा खाना वाना खाएंगे, फिर डायरेक्ट चलते हैं उधर। उधर का हिस्ट्री भी थोड़ा बताते हैं और दिखाते हैं आपको। हमारे होटल के सामने एक छोटा सा यहाँ पे कैफे है, जस्ट लकी है। हम लोगों ने अभी ऑर्डर किया है कॉफ़ी, एक कॉफ़ी और कुछ यहाँ का एक बन। तो खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं डायरेक्ट उस सर्विंग। एक बन और ये कॉफ़ी, ये देख सकते हो ऊपर है एक का ये और नीचे कॉफ़ी। भाई हम लोग अभी पहुंच गए यहाँ पे, जो मॉन्क थे ना मतलब बुद्धिज़्म को वियतनाम में मतलब जारी रखने के लिए, जब बुद्धिज़्म ख़त्म हो रहा था तो बुद्धिज़्म को जारी रखने के लिए उन्होंने ये जगह में अपने आप को जला दिया। ऐसा कुछ है, अगर वो लोग उनका जलाने टाइम अगर उनका मतलब शरीर अगर बैक साइड गिरता है तो बुद्धिज़्म यहाँ पर रहेगा ऐसा मानते हैं, अगर फ्रंट साइड गिरा तो मतलब बुद्धिज़्म ख़त्म हो जाएगा। तो वो वाला फ़ोटो उधर है वो साइड में, मैं वो वाला भी दिखाता हूँ आपको। तो ऐसा कुछ था भाई, मतलब रियल फोटो था। तभी एक्चुअली वियतनाम में क्या फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं था, कैमरा वगैरह, तो एक अमेरिकन ने वो फ़ोटो उठाया था। वो लाइव पिक्चर भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। बट ऐसा कुछ है यहाँ पे, ये सिटी के बीचों बीच में ये लोगों ने बनाया। और ये एक्चुअली 1963 में यही चौराहे में मतलब अपने आप को आग लगा दिया था, पेट्रोल से नहीं, मतलब वो जो प्लेन का ये चलता है ना, लाइक जो धीरे चलता है उसके ये में जलता है। और ये उनका लाइव पिक्चर है जो मैंने आपको पता है, अगर मतलब आगे की तरफ गिरता है तो बुद्ध में सर्वाइव नहीं करेगा, अगर पीछे की तरफ गिरा तो सर्वाइव करेगा। तो ये है भाई, ये लाइव पिक्चर है, तभी टाइम में अमेरिका ने एक फ़ोटो उठाया था ये। और कहते हैं कि इनका जो जलने के बाद उनका जो हार्ट है ना, वो हार्ट जला नहीं था, तो हार्ट मतलब ये होके पत्थर बन गया था, तो वो कुछ ऐसा हो गया था ये हार्ट। तो उनको ये लोग ने ऐसे आई थिंक म्यूजियम में नहीं तो किधर, तो ये यहाँ पे रखे ये लोग, तो उसका तो कुछ पता नहीं बट ऐसा है कुछ भाई। बट ज़बरदस्त है, सिटी के बीचों बीच है यहाँ पे। बट यहाँ पे उनका मॉन्क का वहाँ पे स्टैचू बना है पूरा ये वाला, और ऐसा कुछ है। यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं कि चाइनीज़ टेम्पल है जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन टाइप का है, तो देखते हैं कैसा है। वहाँ पे सुना है मैंने कि डोनेशन देता है तो वो लोग अपना ये चिपका के देता है, तो देखते हैं वो कैसा है। अभी हमारा गाड़ी आ गया है तो ग्रैब में बुक किया, तो डायरेक्ट मिलते हैं चाइनीज टेम्पल में। चाइनीज़ टेम्पल बहुत अच्छा है, लाइक बहुत पुराना है, कितना डेट तो मेरे को पता नहीं। बट यहाँ पे देखो जितने भी ये पूरा वुडन है चारों तरफ, इधर वो साइड में, ये साइड में, ये यहाँ पे इधर धूप वगैरह, ये थिंग आई थिंक कुछ ये रहेगा उनका, मतलब जैसे हम लोग का ये करते हैं ना उस टाइप का। ये पूरा देखो वुडन में बनाया, नहीं काफ़ी पुरानी लकड़ी है ना, करके पूरा देखो ऊपर तक। और इधर भी आई थिंक उनका जो ड्रैगन ये है वो सब का ये, और ये साइड का ये पूरा ये उनके। और यहाँ पे ये वाला है ना, ये वाला जो यहाँ पे जो भी लोग डोनेशन देते हैं तो उनको सब यहाँ पे ये करके रखता है, उनका नाम लिख के, कोई भी कितना भी हो, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 जो भी दे इधर। ये साइड है कुछ ये मंदिर है।
साइड है देखो पीछे से, ये पूरा धूप है, मतलब कोई अगर ये तो यहाँ से बाय कर सकता है, ये बाय करके तो धोना यहाँ पे जितना ही धोना था, ये ऐसा करके ऊपर लगाते हैं। देखते हैं डोनेशन का पूछते हैं, अगर वैसा बोलते हैं कि नाम वहाँ पर लिखते हैं, देखते हैं पूछते हैं कैसा है। का डोनेशन किया, तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो डोनेशन करता है तो ऐसे वो लोग नाम डाल देते हैं डेट के साथ, तो यहाँ पे मेरा भी लग जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, आए हैं तो थोड़ा इतना पैसा खर्चा होता तो थोड़ा डोनेशन देने से ये नहीं। तो यहाँ पे एक हिंदू टेंपल भी है, वो भी प्लान करे जाने के लिए, अगर होता है तो दिखाते हैं। बट मेरे को मंदिर बहुत काफ़ी अच्छा लगा। अब देखो पूरा ऐसा देखो चारों तरफ से इतना अच्छा है, मतलब पूरा लकड़ी में भी काम किया, वुडन, पूरा फुल्ली वुडन है, अच्छा है। क्या है ये, आई थिंक बुलेट, तो आई थिंक ये है दूरबीन। मेरे को भी लगता है दूरबीन ही है, अच्छा है, काफी अच्छा है। ये चारों तरफ देख सकते हो, इधर इधर कुछ काम चल रहा है, पूरा हिंदू टेम्पल है। बस ये है और ये है मेन टेम्पल यहाँ का। ये एक्चुअली इंडियन टेम्पल है बट वियतनाम के लोग, मतलब इंडियन तो इधर कोई है नहीं, बट यहाँ पे देखो तिरुपति बालाजी का है टेम्पल और यहाँ पे लक्ष्मी माता का, ये सरस्वती और दुर्गा लक्ष्मी ये सबका है। बट चलो ये हो ची मिन्ह सिटी का सेंटर में है, ये जो है ये बाबा जी है, ये बेंथन मार्केट के साथ ही है, वो बेंथन मार्केट पता नहीं, बट लोकेशन तो है बट मतलब सिटी नहीं है, हो ची मिन्ह सिटी के अंदर वैसा है कुछ ये। चलो ये भी देख लिए, अभी चलते हैं बाहर, इस तरह का मार्केटिंग भी करना है इनको, मार्केटिंग वार्केटिंग करके भी चलते हैं होटल की तरफ। बट अच्छा है तो छोटा मोटा काम चल रहा है, बट ये एक्चुअली मतलब रनिंग बाय वियतनामी पीपल है, इंडियन यहाँ पे कोई भी नहीं है, बट इंडियन कल्चर को ये लोग ये कर रहे हैं, हिंदू है, हिंदू वियतनाम में भी हिंदू है पीछे उनका है। तो देखो श्री कृष्ण का भी है मूर्ति, आई मीन श्री कृष्ण का भी फोटो, तो ये भाई था यहाँ का कुछ मतलब हिंदू टेंपल का, ये अच्छा लगा, मतलब बिलीव में मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि हो ची मिन्ह में भी लाइक यू नो हिंदू टेंपल हिंदुज़म है बोल के, बट अच्छा लगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो श्री कृष्ण का लाइक फ़ोटो है चारों साइड में, उस साइड में तिरुपति था अभी सर, तो अभी अच्छा तो लग रहा है मतलब यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ है कि इंडियन कोई भी नहीं है, सब वियतनामी पीपल से ये लोग ये कर रहे हैं, बट एक चीज़ है जैसे हम लोग मतलब अंदर चप्पल नहीं, ये लोग चप्पल यूज़ कर रहे, देखो ये सही अंदर चप्पल पहन के बैठे हैं, लेकिन हाँ इधर भी देखो ऊपर नहीं, बट ये लोग चप्पल पहन के ये कर रहे हैं, तो ठीक है अच्छा लगा एक्सपीरियंस। पता नहीं कोई मतलब यूट्यूब में मैं तो देखा नहीं था कभी भी, तो ये तो डाल दूंगा, आई होप कोई आए तो डेफिनेटली विजिट कर सकते हो, हिंदू टेम्पल है। ऐसे चलते चलते हम लोग आए थे कैफे में, मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी योगर्ट कॉफ़ी, बट ज़बरदस्त है, मतलब योगर्ट का थोड़ा टेस्ट है
बट इट्स नाइस. अच्छा टेस्ट. अभी तक मैंने ट्राई किया कोकोनट कॉफ़ी, देन एग कॉफ़ी, योगर्ट कॉफ़ी और एक वियतनाम स्पेशल कॉफ़ी और एक क्रीम विद समथिंग. सब कुछ कॉफ़ी तो कोई कॉफ़ी का हमें कोई ये नहीं. ज़बरदस्त है. तो हम लोग घूम के थोड़ा बहुत मार्केट करके आ गए थे अराउंड, थोड़ा होटल में रेस्ट किए. अभी थोड़ा आज हम लोग का रात से 12 बजे निकलना है ना. हाँ 12 बजे. 12 बजे का थोड़ा ऐसा खाना वाना खाएंगे, थोड़ा नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे 1-2 घंटा. अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे. 6:30 बजे अभी. हाँ तो हम लोग अभी हमारे पास अराउंड 5:30 घंटे हैं. 12 बजे यहाँ से निकलेंगे, आधा घंटा लगेगा एयरपोर्ट पर. 2:55 की हमारी फ़्लाइट है. तो बट अच्छा था आज का ट्रिप. देखते हैं थोड़ा खाना वाना खाता, नाइट लाइफ भी आपको दिखाते हैं, देन मिलते हैं एयरपोर्ट पे. यहाँ पे नाइट लाइफ स्टार्ट हो रही है, अभी शाम के 6:30 बजे हैं. हाँ तो अभी ज्यादा आदमी नहीं है, देख सकते हो इतना है. अभी हम लोग बैठे हैं ऐसे ही, मतलब चेयर. तो अभी हम लोग बैठे हैं इधर, मतलब और कुछ घंटे अराउंड 12-1 बजे तक, 5 घंटे 6 घंटा बस. उसके बाद बैक टू इंडिया, ट्रिप ख़त्म. तो ऐसे अभी एक्चुअली नाइट लाइफ अभी तक चालू नहीं हुआ. सो अराउंड अभी हो रहा है. हाँ ऐसा 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 यू नो इट्स लुक लाइक. तो दिस इज़ हाउ इट्स लुक. अभी तक अभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा चालू नहीं हुआ. सो देखते हैं अभी अराउंड अभी कितना 6:30 या समथिंग. तो हम लोग का फ्लाइट है अराउंड रात को 3 बजे. तो इंडिया का अराउंड 1.5 घंटा का डिफरेंस है. तो अभी टाइम है अराउंड 6:40 होता है. थोड़ा बैठेंगे 12 बजे तक. 12 बजे कैब वैब बुक करके निकलेंगे. तब तक अगर नाइट लाइफ रश होता तो दिखाता हूँ आपको नाइट लाइफ. बस मज़े ही करना है और कुछ नहीं. अभी हम लोग का वियतनाम का ट्रिप यही पे ख़त्म हो रहा है. बहुत मज़े किए हैं. लास्ट दिन तो बहुत ज़्यादा ही मज़े किए हम लोग. एक्चुअली 2 UK का दोस्त मिल गए थे, तो हम लोग वॉकिंग स्ट्रीट में थे. 3 घंटे तो उनके साथ बैठे, उनके साथ ही बैठे कब चले गए. बट दे आर वेरी नाइस, सॉर्टेड, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है. मैंने इंस्टाग्राम में उनका लिंक भी डाला है. इट वॉज़ वेरी नाइस. हम लोग बहुत मज़े किए. तो हम लोग अभी बज रहे 12 बज रहे. तो हम लोग अभी लाइक ग्रैब बुक करेंगे तो डायरेक्ट निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए. तो अमोल भाई अभी देख रहे हैं अपना घर का मुआयना. रूम में कुछ रह तो नहीं गया भाई, कुछ रह गया नहीं. वो तो 10 बार 1000 बार ही देखते हैं. तो चलो अभी हमारा लिफ्ट भी आ गया. तो ऐसा है अमोल भाई, आ जाओ. तो अभी ग्रैब बुक किया हम लोग, डायरेक्ट मिलते हैं एयरपोर्ट में. सो ये हमारा होटल था अराउंड लाइक यू नो वॉकिंग डिस्टेंस जस्ट 2-3 मिनट वॉक है. सो ही इज द मिस्टर गाय. So if you want to please keep in touch this La An Hotel. तो ऐसा कुछ है. So finally airport पहुंच गया. बिल्कुल. अब चेक इन में टाइम लग गया बट इमिग्रेशन तो खाली था. हाँ ज़्यादा नहीं था. चेक इन में 45 मिनट लग गया हमें सामान चेकिंग करने में. अभी हम लोग 1.5 घंटा है. तो यहाँ पे बज रहा है 1:30 बजे. तो 3 बजे का हम लोग को फ्लाइट है नहीं. 2:50. हाँ तो उज़्बेकिस्तान बोल रहा हूँ. वियतनाम वाज फन. लाइक लास्ट डे हमारा अच्छा रहा. लास्ट डे में कुछ अच्छे दोस्त भी बनाए. हाँ वो लोग सोचे 3 महीने ट्रैवल कर रहे हैं यू नो.
तीन महीने हो गए हैं, वो छः महीने वो ट्रैवल कर रहे हैं, नौ महीना। सो एनीवेज अभी क्या ही, चलते हैं बोर्डिंग करते हैं, मिलते हैं डायरेक्ट इंडिया में। सो तब तक के लिए पीस।